बेबिस्मिल्ला इस्म अल्लाह दा ए भी गहना पारा हो नाल शफात सरवरे आलम छुटसी आलम सारा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। FM पंजाब रंग 99.4 तो तुसी इस वेले नासिर अहमद की आवाज़ सुन रहे हो। रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी कहोटा कोटली सतियां रवात गुजर खान आज़ाद कश्मीर टैक्सला फतेह जंग जिथे जिथे मेरी आवाज़ अपड़ी है तो जिथे मेरी आवाज़ तो अपड़ी है तो उस शहर का या उस जगह का मैं ना नहीं लिया तो सारियां नूं असीं जिया नूं कहने आ। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल हर जुमे नूं सवेरे 10 तो लैके 12 बजे तक तुहाडे लई पेश कीता जांदा है प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अज वी इह प्रोग्राम पेश कीता जा रिहा है, तुसी वी इस प्रोग्राम दा हिस्सा बनो। वट्सएप ते साडे नाल राबता करन लई तुसी सानूं वट्सएप ते मैसेज कर लो, अपना पैगाम कर लो, तुसी सवाल भी कोई कर सकते हो। साडा वट्सएप दा नंबर है 0333-9291-523 ते साडा लैंडलाइन नंबर है 0151-9291-520। वहाज अहमद साहब सीरत निगार ने साडे नाल मौजूद ने। ते जिस तरह असी पिछले प्रोग्राम च अजवाजे मुताहरात ते गल कीती, अज भी असी इसे सिलसिले नूं अगे वधावांगे। वहाज साहब तुहानूं मैं जिया इहनूं कहिंदा मेहरबानी। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह जी। ते असी अपने प्रोग्राम दा आगाज़ जिहड़ा उह इक अल्लाह दे कलाम दे नाल शुरू करने आ, इक हमद सुनने आ, फिर परत के आने वापस सुनते रहना FM पंजाब रंग 99.4। अरबो अजम दे सरदार जिन्हां दा जिस्म मुबारक हर ऐब तो पाक खुशबू दा मंबा इंतहाई पाकीजा नूर ही नूर अपने घर ते हरम विच सुबह दे रोशन ते खुशनुमा सूरज चौदवी दे चन बुलंदी दे माहस हिदायत दे नूर मखलूक दी जाए पनाह तारीकियां दे चराग बेहतरीन खुलक ते आदतां वाले उम्मतां दी शफात करन वाले सहावत ते करम दे वाली उन्हां ते लखां दरूदो सलाम अल्लाह उन्हां दा मुहाफिज जिब्राइल खादम बुराक सवारी मेराज उन्हां दा सफर ते सिदरा तुल मुंतहा उन्हां दी गुजरगा सारे रसूलां दे सरदार ते सारे अंबिया तो बाद आउन वाले गुनाहगारां दी शफात करन वाले मुसाफरां ते अजनबियां दे गम गुसार सारे जहानां ते रहम फरमान वाले मस्कीनां नाल मुहब्बत ते उल्फत रखण वाले जिन्ना ते इंसानां दे सरदार हरमे मक्का ते हरमे मदीना दे नबी बैतल मकदस ते खाना काबा दोवें किबलियां दे इमाम दुनिया ते आखरत विच साडे लई निजात दा वसीला मशरकां ते मगरबां दे रब दे हबीब इमाम हसन ते इमाम हुसैन दे नाना यानी अबुल कासम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला उन्हां ते दरूद दरूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दे आल असहाब ते सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल इस वेले प्रोग्राम पेश कीता जा रहा है नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अज दा मौजू अजवाजे मुताहरात इस सिलसिले दा एक प्रोग्राम पिछले जुमे नूं भी पेश कीता गया है और तुसी सुनिया, तुसी पसंद भी कीता है, तुसी अपना फीडबैक भी दिता है। ते असी चाहवांगे कि अज भी तुसी साडा प्रोग्राम सुनो ते 0333-9291-523 साडा वट्सएप नंबर है, इत्थे सानूं अपनी राय अपना सवाल इत्थे सानूं जरूर कर लो। ते मैं गुजारिश करांगा वहाज अहमद साहब नूं कि अपनी गलबात दा सिलसिला जारी रखण जी। वहाज शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सारे सामीन नूं जी आयां नूं जी बहुत शुक्रिया तुहाडी दिलचस्पी दा, तुहाडे सुणन दा, तुहाडी फीडबैक दा। जिहड़ा साडा सरमाया है जिहड़ा सानूं कम ते लाई रखदा है, हौसला वधांदा है। अल्लाह ताला तुहाडी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिहड़ी मुहब्बत है, जिहड़ी तुहाडे इश्तियाक नज़र आ रहा है प्रोग्राम नूं सुणन नाल, उन्होंने कायम दायम रखे, उहदे च बढ़ोतरी करे इंशाला। आमीन। अज दा जिस तरह तुहानूं दस्सिया नासिर साहब ने प्रोग्राम दे मेज़बान ने कि अज तस्करा इंशाला जिहड़ा बकाया तस्करा रह गया सी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा, उहदे बारे इंशाला गलबात होएगी। और दरम्यान च असीं इंशाला नबी सस्सम दी सीरत दे हवाले नाल सीरत दा जिहड़ा असल माखज़ है, जिहड़ा असल उसदा सबक है इखलाक़े हसना नबी सस्सम दा, उहदा तस्करा इंशाला हर प्रोग्राम असीं करांगे एक छोटे टॉपिक दे हवाले नाल।
किसी हुसने खुलक दे किसी हवाले नाल वो इंशाल्लाह प्रोग्राम दे तकरीबन दरमियानी टाइम च होया करेगा ते प्रोग्राम दे आखिर च अज दे टाइम दे हिसाब नाल जिहड़ा साडे बुजुर्गां दा छोटां दा नौजवानां दा बच्चां दा जिहड़े दीन दे मुताबिक दीन दे हवाले नाल कोई ज़हनी सवालात ने अशकाल ने कुछ ऐसे सवाल जिन्हों का जवाब उन्होंने आराम नाल आसानी नाल मिल नहीं रहा उहदे बारे इंशाल्लाह हर प्रोग्राम च एक नवे सवाल का तस्करा होएगा ते उहदे मुताबिक तुहाडी तशकनगी नूं पूरा करन दी कोशिश करांगे अपनी कमाईगी कमलमी दे दायरे दे अंदर रहिंदे होए ते तुहाडे तों गुजारिश है कि तुसीं उहदे मुताबिक जे तुहाडे ज़हन च कोई सवालात है ने कोई वो लाजमी तुसीं शेयर करो कॉलिंग नंबर तुहाडे कोल है तुहानूं दस्सिया गया पहले उहदे तुसीं दसो ताकि उस असी करांगे कि जिहड़े सवाल ज़्यादा होणगे इक्के टॉपिक दे बारे उसी सवाल नूं असीं सिलैक्ट करके अगले प्रोग्राम विच उहदे बारे च गल इंशाल्लाह होया करेगी ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਟੋਪਿਕ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 3-3.5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਵਾਤੀਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਮੇ ਫਲਾਂ ਅਬੂ ਫਲਾਂ ਇਬਨ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਨੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੁਨੀਅਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲਿਦ ਸੌਦਾ ਬਿਨ ਜ਼ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਵਲੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਨਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮੂਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਨਜਾਰ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਸਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਸੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਨੀ ਨਜਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਸਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਬਨੀ ਨਜਾਰ ਦੀ ਇਸੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਕੇ ਪਰਦਾਦਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਨਿਸਬਤੀ ਸਾਲਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਸਕਰਾਨ ਬਿਨ ਉਮਰੋ ਸਨ ਸਕਰਾਨ ਬਿਨ ਉਮਰੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਅਵਲੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਕੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੇਸ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੀ ਨਬੂਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਦੋਕੋਪ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4-5 ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਨਫਰਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਸਕਰਾਨ ਬਿਨ ਉਮਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਦੇ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਹਰ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਅਕੇਲੀ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਬਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਡਾਨ ਇਰੈਟਰੀਆ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ
उस इलाके च जाके रहे और चार पांच साल उन्होंने उत्थे कल्ली गुजारी। खातून ने उस जमाने च कल्ले चार पांच साल उत्थे जाके गुजारे, फिर वापस आई ते फिर दोबारा हिजरत की अपने शौहर के नाल। दोनों हिजरत अफशा हजरत सौदा ने कीतिया ने, तीसरी हिजरत मदीना भी हजरत सौदा ने की। यह हजरत सौदा का यूनीक टाइटल है, इस बारे च इंशाला गर इंशाला जारी रखेंगे जी। जी वहाज साहब, बहुत सारे लोग सू सुन रहे हैं, जिला हवेली तो हसन हसन कश्मीरी और ने सू कॉल की, उन्होंने प्रोग्राम में पसंद किया। चरा पिंडे ते नलौर इस्लामाबाद इतों मलक अस्ताबर हुसैन इन्होंने नाद की फरमाइश भी की, असं कोशिश करा पूरी करने की। फेसबुक से सू बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स किए, हसन साहब ने प्रोग्राम में पसंद किया। लाहौर तो मुहम्मद नदीम इकबाल भी कहते हैं, वहाज साहब प्रोग्राम प्रोड्यूसर ते तकनीकी मामन इमाद ताबिर साहब ते सारे सुनन ते वेखण वालियां नूं अकीदतां ते मुहब्बतां पर सलाम। ते उन्होंने प्रोग्राम नूं पसंद किया। ते इहदे नाल नाल सैटेलाइट टाउन तो मुहम्मद नईम उन्होंने प्रोग्राम पसंद किया। ते जहीरुल हसन साहब ने प्रोग्राम नूं पसंद किया। ते कुछ होर लोगों ने भी सानूं मैसेज किए, मुहम्मद सदीक खोखर साहब ने प्रोग्राम नूं पसंद किया। तो असी थोड़े मैसेज भी पढ़ांगे ते गलबात का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो एक नात मुबारक सुनने, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिण मद भरिया। FM पंजाब रंग 99.4 तो तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वहाज अहमद साहब अजवाजे मुताहरात के हवाले नाल गलबात कर रहे हैं। ते मैं चाहवांगा कि वहाज साहब तुसी अपनी गलबात नू जारी रखो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी पैदाइश तकरीबन उसी साल दी है जिस साल दी नबी ससम दी पैदाइश है, यानी नबी ससम दी उम्र मुबारक दे सौदा रज़ी अल्लाह दी उम्र मुबारक बराबर है जी। हजरत सौदा दा नबी ससम दे नाल इस रिश्ता जिहड़ा सी इहदा जोड़ बढ़न तो पहले हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला दे पहले तो एक शादी ही सी हज़रत सुकरान बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत सौदा दी तबलीग नालों मुसलमान हुए ते सुकरान बिन उमरो दा तालुक अगर तुसी तारीख वेखो ते मदीना दे मक्का दे वड्डे सरदारां विच एक सरदार जिन्हां दा लेवल ऐसी कि सुलह हुदैबिया दे मौका ते नबी ससम दे नाल जो सुलह हुदैबिया लिखवाण लई मक्का दी तरफों जिहड़ा सरदार आया, जिहड़ा सरदार आए बाद विच मुसलमान होए एक साल बाद, ओ सुहेल बिन उमरो सन, खतीब मक्का कहिंदे सन, बड़े फसीह बलीग इंसान। और बाद विच नबी ससम दे वसाल दे बाद भी जब अरब विच इरतदाद स्टार्ट होया लोगों ने फिर गए कुछ लोग जिहड़े कच्चे मुसलमान सन उन्होंने दीन तो रोकण वास्ते हज़रत सुहेल बिन उमर की बड़ी काविश है, उन्होंने तकारीर का तबलीग का बड़ा से असर है। सुकरान बिन उमरो उसी सुहेल बिन उमरो के भाई सन, यानी मक्का दे सरदार कबीले दे एक शख्स। हज़रत सौदा मक्का ही दे एक सरदार कबीले दे एक शख्स की जोजा सन। मुसलमान होइया उन्होंने तबलीग नाल उन्होंने शौहर मुसलमान होया और उसके बाद उन्होंने तबलीग नाल जिहड़े बंदे मुसलमान उन्होंने मैं तुहानूं तस्करा करूँगा। बहरहाल उस तो पहले मैं तुहानूं यह दसदा जावां कि हज़रत सौदा की नबी ससम तो निकाह तो पहले भी औलाद है सी, जिस तरह हज़रत खदीजा जी पहले औलाद सी, हज़रत सौदा की पहले औलाद है सी, तस्करा सी नाल नाल करते जावांगे। हज़रत सौदा दे एक बेटा सी अब्दुर्रहमान बिन सुकरान बिन उमरो और वह मुसलमान होए माँ की तबलीग नाल शौहर की तरह और उन्होंने दीन की दी बड़ी खिदमात कीतियां ते इतना लेवल उन्होंने खिदमात है कि बाद इच फारस दी ईरान दी जंगे जलूला जी है सी नबी ससम दे विसाल दे बाद उस इच हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सकरान बिन उमरो दी शहादत उस जंग दी है। ऐ हज़रत सौदा दे खानदान दी खानदानी खिदमात ने जिन्हां इच उन्होंने बेटा भी इस्लाम दे शहादा विच शामिल है। हज़रत खदीजा दे शौहर सकरान बिन उमर दे नाल हज़रत खदीजा ने पहली हिजरत उन्होंने बगैर की हबशा दी, फिर वापस आईया, कुछ अफराद वापस आए, टोटल अफराद घट सन, को गालिबन 18 अफराद सन या 12 अफराद सन, मुख्तलिफ फिगर दे तारीखी जानते ने। और वापस जो आईया फिर दोबारा हिजरत इन्होंने करनी पैगी क्योंकि मक्का दे हालात साजगार नहीं सन। इस दफ़ा उन्होंने शौहर सकरान बिन उमर भी नाल गए ते उहदे बाद नबी ससम दी हिजरत मदीना तो पहले ही यानी तकरीबन 9वें या 10वें साल ए लोग उतों वापस आए और हज़रत सौदा
मक्का इच सुकूनत पजीर होगी। इस वक्त तक नबी ससम की हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुजर रही थी। जब उन्हों का विसाल होया गालबन 17 रमज़ान सन 10 नबवी ते उहदे बाद तकरीबन 1.5-2 महीने के अरसे दे बाद नबी ससम की एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार जिहड़ी इन्हों का खाए ना है जी खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यह भी शुरू की मुसलमान शामिल ने, बड़ी खदमात ने खवातीन लिहाज न। नबी ससम के करीबी साथी हज़रत उमर, हज़रत उमर की जौजा सन ज़ैनब बिन दे मज़ून, उन्हें जौजा का भाई सी उस्मान बिन मज़ून। उस्मान बिन मज़ून का तुसी ज़हन च रखना, ए जन्नतुल बकी दे दफन होने वाले पहले सहाबी ने और अवलीन फौत होने वाले शुहादा जे अफराद ने, शुहादा नहीं अफराद ने मदीना च, उन्होंने एक हज़रत उस्मान बिन मज़ून गालिबन सबसे पहले इन्हों, सब तो पहले इन्हों का विसाल होया, इसीलिए जन्नतुल बकी पहली कबर इन्हों की बनी सी। ए उन्हों की भैन है जी खौला बिनते हकीम, ठीक है जनाब। खौला बिनते हकीम ने नबी ससम के कोल आई तो उन्होंने नबी ससम को प्रपोज किया कि हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका है, तुहाड़ी छोटी छोटी बेटिया ने बेटा है तो तुहानू मेरी सिफारिश है, मेरी गुजारिश है कि तुसी निकाह कर लो, तो अगर तुसी नौजवान लड़की ना निकाह करना चाहते हो तो मेरा मशवरा है तुहाड़े करीबी दोस्त अबू बकर सदीक की बेटी आयशा मौजूद है, तुसी उहदे नाल निकाह कर लो, तो जे तुसी मेरी सुनो तो मैं तुहानू यह भी मशवरा देवांगी कि तुसी अपनी औलाद की वजह तो, इन औलाद की उम्र की वजह तो, लड़कियों की वजह तो, तुसी अगर किसी उम्र रसीदा तजर्बाकार खातून नाल तुसी निकाह कर लो तो बच्चों वास्ते बड़ी आसानी हो जाएगी, तो दूसरी आसानी तुहाड़े वास्ते यह होगी कि तुहाड़ा ज़्यादा टाइम तबलीग और दीन की कोशिश लग रहा, तुसी घर नूं टाइम नहीं दे सकदे इतना, तो अगर उम्र रसीदा खातून तो मेरे ज़हन च सौदा बिनते जमा जिहड़ी बेवा हो चुकी है सकरान बिन उमरो हिजरत तो वापस आए ने हबशा तो बीमार हुए तो फौत हो गए तो वह बेवा है, तो उम्र रसीदा तजर्बकार खातून के तौर पर सौदा बिनते जमा और अगर कुंवारी नौजवान लड़की तो हज़रत आयशा बिनते सदीक। नबी ससम ने उन्होंने कहा कि तुम दोनों नाल गल कर लो। नबी ससम ने दोनों नाल गल की, हज़रत सौदा नाल जाके गल की, उन्होंने कहा जी कि मेरे वास्ते बड़ी सादत की गल है, मैं पहली तौर तरीका अपने रस्म रिवाज सारी जहनी कैफियत नबी ससम के तरीकेकार के मुताबिक कर चुकी हैं, इसी वास्ते मैं मुसलमान हूँ, तो नबी ससम मेरे बारे जो फैसला करेंगे मैं कबूल है, मेरी तरफों कोई उदे कोई उजर कोई हिसाब किताब नहीं, मेरे लिए सादत की गल है। उन्होंने जाके वापस नबी ससम ने दसिया तो नबी ससम ने इस दे बाद जो बंदोबस्त किया मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे नाल निकाह होया, ते निकाह हज़रत सौदा दे वालिद जमा ने ही पढ़ाया, जे पहले मुसलमान हो चुके सन उस टाइम हज़रत सौदा दे पाइयां विच कोई मुसलमान नहीं सी होया, बेटा मुसलमान हो चुका सी लेकिन वालिद भी मुसलमान हो चुके सी, भाई मुसलमान इसने भाइयों ने बड़ा इसे लैतो लाल किया लेकिन अल्लाह ताला जो मंजूर से हो चुका और नबी ससम का निकाह हज़रत सौदा के वालिद नबी ससम के ससुर हज़रत जमा ने पढ़ाया और नबी ससम के अकद आ गई तो वह नबी ससम के घर शिफ्ट हो गई, तो उत्थे उन्होंने नबी ससम की औलाद की तरबियत जिस तरीके बहसन तरीके की वह अपनी मिसाल आप है। नबी ससम की औलाद हज़रत फातिमा, सब तो वड्डी हज़रत ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब का निकाह हो चुके सी पहले ही, हज़रत खदीजा की अपनी बहन खौला बिनते खुवैलद उन्होंने बेटा सी अबुलास बिन रबी, उन्होंने नाल रिकाह कर चुके सन तो वह ब्याही जा चुकी सी, लेकिन बाकी जी बच्चियां सन उन्होंने नाल घर सन, ज सब तो पहले रुकैया फिर उम्मे कुलसूम तो फिर सब तो छोटी हज़रत फातिमा सी। इन्हां दी तरबियत हज़रत सौदा ने बहसियत एक इंतहाई तजर्बाकार खातून दे जो उन्हां दी वालदा दी ही तकरीबन उम्र दी सन, उन्होंने नबी ससम दे इस जोड़ नाल इस दे बाद उन्हां दी शादियां तक बेहतरीन अपनी तरफों इन फराइज़ दी अंजामदेही कीती। ऐ हज़रत सौदा दा नबी ससम दी उस जीरक निगाही उस बेहतरीन जोड़ा उन्हां दा तरीकेकार सी खानगी जिंदगी नूं चलाउण नाल नबूत दी जिंदगी दे नाल नाल नबूत और समाजी जिंदगी के नाल जाती जिंदगी अजवाजी जिंदगी बड़े तरीके नबी ससम ने बड़ा खूबसूरत तरीके प्लान किया तो एक्सीक्यूट किया अमलदारी की एक चीज़ जी स्टार्ट हुई हज़रत खदीजा के विसाल के बाद वह हज़रत सौदा का इन
यतीम बच्चियां दा जिन्हां दी वालदा दा इंतकाल हो चुके सी उन्हां दी तरबियत है। ए हजरत सौदा दी बहुत बड़ी काविश है, बाकी काविशां दा इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद तज़किरा करेंगे। सुभान अल्लाह। वहाज साहब, बहुत सारे लोग सानू फेसबुक ते व्हाट्सएप ते अपने अपने कमेंट्स और अपने अपने पैगाम भेज रहे ने। बरतानिया तो सानू सुन रहे ने सनाउल्ला हाशमी साहब, तो वह कहें अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तुहाडियां गल्लां बहुत अच्छियां ने, मालूमात नाल भरियां होईयां ने। तो ग्लासगो यूके तो सनाउल्ला हाशमी साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं साडा प्रोग्राम सुन रहे हो। जमशेद फारूकी साहब, तो इन्हां दी बेटी मरियम फारूकी, जरिश ते मुजफ्फरगढ़ तो यह साडा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तुहाडा बहुत शुक्रिया। सनाउल्ला हाशमी साहब ने सानू फिर मैसेज किया, ए सानू सुन रही ने रावलपिंडी तो आयशा जफर साहिबा, तो वह कहंदियां ने जी अज दा जिहड़ा मौजू है अजवाज मुताहरात ते हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अनहा दे बारे तुसी जिहड़ी गलबात कर रहे हो साडे लई बड़ी मुफीद है, बड़ा कुछ सीखण नूं मिल रहा है। तो वट्सएप ते राही भी सानू बहुत सारे लोग सुन रहे ने, फोन कॉल भी कर रहे ने। तो खब्बा तो शेह ज़हूर साहब ने फोन किया, तो साडी ट्रांसमिशन नूं पसंद किया, प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, बहुत शुक्रिया शेख ज़हूर साहब। चाकरा रावलपिंडी तो उस्मान मंजूर साहब ने साडे नाल रबता किया, तुहाडा बहुत शुक्रिया। बारा कहू तो सलीम राजा साहब साडे नाल सन। लाहौर तो एक बार फिर नदीम इकबाल साहब ने साडे नाल फोन ते गल की, तो उन्होंने कहा कि नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मालूमाती प्रोग्राम है, तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां कि सानू नहीं सी पता सी इस प्रोग्राम के राही वो सानू सुनने नू मिल रही ने, तो असी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जातली तो चौधरी मतलूब भी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बने ने, तो अपने प्रोग्राम नू अगे वधाने आ, तुसी भी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बनो, सानू मैसेज कर लो 0333-9291-523, ये साडा वट्सएप नंबर है, तो सानू कॉल करो 0151-9291-520 ते। तो प्रोग्राम नूरे मुहम्मद अज दा उनवान जड़ा अजवाज मुताहरात, एक नात मुबारक सुनने आ, तो फिर परत के आने, सुनते रहना FM पंजाब रंग 99.4। तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4, तो मैं नासिर अहमद इस वेले सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल पेश किया जा रहा है प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाज अहमद साहब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल गलबात कर रहे हैं, तो साडा अज दा मौजू है अजवाज मुताहरात। असी गल कर चुके हैं हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अनहा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अनहा, उन्हां दी पाक जिंदगियां दे बारे, तो गलबात दे सिलसिले नूं अगे वधाने आ। जी वहाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुहानूं मैं मुख्तसर तज़किरा कीता नबी सस्सम दे नाल जिहड़ा रिश्ता उन्हां दा जिस तरह बनिया, जिहदे च कलीदी किरदार अदा कीता हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन दी बहन दा, उन्होंने किरदार उन्होंने जोजा बहन नहीं है, सॉरी मैं गलत कह बैठा, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की जोजा से खोला बिन ते हकीम, उस्मान बिन मज़ऊन की जी हमशीरा सी हज़रत उमर की जोजा ने, ज़ैनब बिन ते मज़ऊन जो कि हज़रत हिफ्सा उम्मुल मोमिनीन की वालदा है, वह उस्मान बिन मज़ऊन की बहन है, और उस्मान बिन मज़ऊन हज़रत अलम की जो जोजा है जी खोला बिन ते हकीम मशहूर साहबिया, उन्होंने यह रिश्ता सारी रिश्तेदारी का मामला उन्होंने सारी कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने उन्होंने एजाज़ दिता कि नबी सस्सम के घराने ने आबादकारी उन्होंने मशवरा दिता, तो फिर वो अंदर कुलीदी किरदार भी उन्होंने अदा किया। जिस वक्त नबी सस्सम नाल उन्होंने रिश्ता होया, उस वक्त नबी सस्सम की उम्र मुबारक 50 साल सी, गालबन शवाल सन 50, नबी सस्सम की उम्र मुबारक का 50वां साल और नबूत का 10वां साल, 10 नबी जी। तुहानू पता होगा, याद होगा हज़रत खदीजा का विसाल भी 10 नबी हो जी, और गालिबन 17 रमज़ान हो, और इनका निकाह शवाल हो। हज़रत सौदा के निकाह के नाल ही उन्होंने दिनों ही, लेकिन कुछ दिन बाद अक्सर मौरखीन के मुताबिक हज़रत आयशा का निकाह भी होया, लेकिन रुखसती हज़रत सौदा की फौरन हुई है बच्चों की वजह तो, हज़रत हज़रत आयशा की रुखसती तकरीबन 3.5 साल के बाद हिजरत के 7वें महीने जाके हुई है मदीना जी। यानी नबी सस्सम ने जिस टाइम हिजरत की थी, तो अजवाज मुताहरात जरा खानदान बच्चों को लैके गया, जैद बिन हारिस मुबोले बेटे, उमैमन गारिश मौजूद सन, वो बाकी 3 बच्चे 3 बेटियां ए शिफ्ट हुई ने, तो इन्होंने बतौरे वालदा हज़रत सौदा ने हिजरत की थी, वो इन्होंने गए सन नबी सस्सम ने, मशहूर वाकया नबी सस्सम ने मदीना तो पहुँच के उन्होंने
दो ऊंट दिते ते नाल कोई 100 दिरहम दिते ते उन्होंने कहा कि जाओ ते फलां जगह च एक और ऊंट भी नाल लै लेना डाची लै लेना ते वो नाल लैके आके तिना नू ते बाकियां नू नाल लैके मदीना पहुंचना। यह खिदमत हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने की थी सी जी। हक महर निकाह दा 400 दिरहम होया सी। नबी सल्लम दी अक्सर अजवाज मतहरात दा हक महर 400 दिरहम ही है, सिवाय हज़रत उम्मे हबीबा दा 400 दिरहम नहीं बल्कि 400 दीनार है। दिरहम ते दीनार च वही फर्क है जैसा अजकल तुहाडे रुपये ते डॉलर दा फर्क है, तकरीबन इन्ना फर्क सी। एक सिक्का सिल्वर दा सी ते एक गोल्ड दा सिक्का सी। वैसे जनरली अगर कैलकुलेशन तुसी करो ते तकरीबन 7 सिक्के तुसी दीनार दे इकट्ठे कर लो ते उहदे च दिरहम दे 10 सिक्के आ जांदे सन। बहरहाल 400 दिरहम अजवाज मतहरात दा है, 400 दीनार सब तो ज़्यादा हज़रत उम्मे हबीबा दा है, जिहड़ा कि नबी सल्लम दी तरफों असमहा जिहड़ा नजाशी मशहूर है बादशाह, उस बादशाह ने जिन्हें निकाह पढ़ाया नबी सल्लम दा उम्मे हबीबा नाल अबू सुफियान दी बेटी, उसे नहीं अपनी तरफों अपनी जादी जायदाद तरफों 400 दिरहम दीनार इन्हों का महर दिता सी। बाकी सारी अजवाज मतहरात दा 400 दिरहम ही है, सिवाए हज़रत मारिया खिबतिया दा, उन्हां दी आज़ादी है, तो जवेरिया बिनते मुस्तलिक उन्हां दी भी आज़ादी है। उन्हां दी मुकातबत मैं बाकी डिटेल बाद दसांगा, उन्हां च जरा डिफरेंट मामला सी। बाकी तमाम अजवाज मतहरात दा इक्को ही स्टैंडर्ड 400, अमीर है गरीब है जिस मर्जी खानदान की 400 दिरहम नबी सल्लम ने हक महर मुकर्रर किया सी। और गालिबन बल्कि यकीनन अल्लाह ताला दे उसूल और अल्लाह ताला दी मर्जी दे ऐन मुताबिक के मामला चलता रहा। नबी सल्लम दी हज़रत सौदा तो कोई औलाद नहीं है, जिस तरह बाकी अक्सर अजवाज मतहरात नाल है मामला है। हज़रत खदीजा और सिर्फ हज़रत मारिया किबतिया तो औलाद है। अहादीस 5 अहादीस ना तो मरवी ने बहुत कम हादीस, हालांकि इन्हों की उम्र नबी सल्लम नाल बहुत ज़्यादा गुजरी, लेकिन हदीस के बयान विच हज़रत सौदा का मामला बहुत डिफरेंट सी। बहुत इंट्रोवर्ट जिन्हों कहते हैं साइकोलॉजी, उस किस्म की जिंदगी इन्होंने गुजारी, ज़्यादा माशरे नाल खुल खुला के मामला। तबलीग जदों ख़त्म हुई ना दी नबी सल्लम नाल निकाह हो गया, उसके बाद तबलीग सारी बात है जी एफर्ट करनी सी कर ली, फिर उन्हों का रोल चेंज हो गई सी, उम्र मुमीन का रोल आ गई सी अजवाज मतहरात के तौर पर बच्चों की माँ के तौर पर, तो फिर वह तबलीग उस तरीके ना नहीं रही। लेकिन बाकी जिंदगी इन्होंने नबी अकरम सल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक बिल्कुल घर के अंदर गुजारी, इतनी घर के अंदर कि नबी सल्लम के विसाल तो बाद नबी सल्लम ने अजवाज मतहरात को अपनी विसाल तो पहले एक नसीहत की सी, वसीयत नसीहत की सी कि मेरे बाद घर के अंदर रहना। इस वसीयत ते अजवाज मतहरात ने इतना अमल किया कि अजवाज मतहरात हज तो अलावा उमरे तो अलावा नहीं सन निकल दिया। लेकिन उम्मे सलमा नहीं जैनब बिनते जहश और हज़रत सौदा ने नबी सल्लम दे विसाल दे बाद हज भी नहीं किया। जदों अजवाज मतहरात बाकी हज में जा नहीं होंदे सन तो इन्हों कहते सन इकट्ठे जावे, तो यह कहते सन कि नबी सल्लम जो हुक्म दिता सी जो मशवरा दिता सी मैं उसके मुताबिक हज में जाना, भी मैं जिन्हें हज करने से मैं हज भी कर लिया उमरा भी कर लिया तो मैं हज में ही नहीं जावगी। उन्होंने इसी घर के अंदर सारी जिंदगी अपनी गुजारी। गालिबन इस वजह तो ही हज़रत सौदा तो मरवी अहादीस बहुत कम ने, जिंदगी सब तो ज़्यादा गुजारी नबी सल्लम के नाल हज़रत खदीजा के बाद, लेकिन अहादीस टोटल 5 ने, हालांकि हज़रत आयशा की अहादीस 2200 तो भी ज़्यादा ने, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5 हादीस ने। इन्होंने विसाल तो पहले विसाल इन्होंने हज़रत उमर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने होया। हज़रत उमर का जमाना 24 खत्म होता है 24 हिजरी, तो उसके मुताबिक मोरखीन का ख्याल है कि 23 हिजरी इन्हों का विसाल हुआ सी। तो इन्हों की जी जनाजा सी वह हज़रत उमर फारूक ने खुद पढ़ाया सी। जन्नत बकी इन्हों की कबर है, अजवाज मतहरात की जी जन्नत बकी जी कबर ने उन्होंने सबसे पहली कबर सब तो पहली कबर हज़रत सौदा दी, सब तो पहली कबर हज़रत जैनब बिनते खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन दी है। लेकिन तरतीब जिस तरतीब उन्होंने विसाल हो उस हिसाब ने इन्हों बाकी कबर बनिया ने। इन्हों जी खिदमात ने देनी है उन्होंने इंशाला तस्करा होगा, तो वह इंशाला इस मुख्तसर की बातचीत नासिर साहब की उसके बाद इंशाला होगा जी। जी बहुत सारे लोग सानू सुन रहे हैं तो उन्होंने प्रोग्राम में शामिल करना भी जरूरी है। सानू व्हाट्सएप राही ते फेसबुक राही बहुत सारे लोग अपने अपने पैगाम कर रहे हैं। सानू खजाज साहब ने मैसेज कर लिया
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਨਾਉਲਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਨਦੀਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਰੀਆ 4 ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੀਰਤ ਅਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸੁਬਹਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਨੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 0333-9592-523 ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਣਨੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਫ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰਤ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਇਮਾ ਹਜਾਜ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਿਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡੋਕ ਮਾਜਰ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦੀਲ ਚੱਕਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੀਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਦੀਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1400-1500 ਸਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਚੂੰਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਲੰਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਫਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਰਾਰ ਰਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਔਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਏਜ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਡਿਸਟਰਬਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਸੁਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਦਤ ਕੋਈ ਬਿਦਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਗੇਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਦਤ ਲਫਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਿਸਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮੁਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਦਤ ਇੱਕ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਵੀਂ ਸਿਸਮ ਦੀ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਸਾਬਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ 2-3-4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
हज़रत अबूबकर सदीक ने अपनी उम्र के आखिरी साल वेक शादी की थी। हज़रत अली ने नबी सल्लम की बेटी फातिमा बिनते मोहब्बत दे मोहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल दे बाद उम्मुल बनीन नाल निकाह किया। उन्होंने नाम भी फातिमा ही सी। नबी सल्लम की हयात च नहीं किया, नबी सल्लम की बेटी की हयात च नहीं किया, लेकिन बादिश किया उन्होंने। हज़रत उस्मान ने बादिश शादी की, तमाम साहबा ने किए, हज़रत उमर ने कीतियाँ, एक एक सारे नहीं सुनते। उसकी वजह कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिता है, इजाजत दी थी, हुक्म ही दिता है। हुक्म जी शर्त लाई है वह इंसाफ दी है। सूरह निसा की जी इब्तदाई आयात ने वो मुताबिक अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक नहीं तो चार तक करने की इजाजत है। जो असी एक चीज़ में वेखते जी माशरा इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा तो तुम यह वेखो कि इस सुनत के बरखिलाफ होने की वजह तो साढ़े माशरे बेराहरवी कितनी ज़्यादा है, साढ़े माशरे तलाक कितना वड्डा कलंक लोगों वास्ते खवातीन वास्ते बन चुका है। उन्हें खवातीन वास्ते जिहड़ी दूसरी शादी के मुखालिफ ने उन्हें खवातीन च मुतलका तलाक याफ्ता खवातीन होंदे ने उन्होंने भी सजा भुगतनी पैंदी है। उन्हें खवातीन औरतों के अंदर बेवा खवातीन बैठा ने उन्होंने भी सजा भुगतनी पैंदी है। पाकिस्तान किसी बंदे की पहली शादी तुम बहुत घट सुनोगे, बड़े कम मरदे मुजाहद ऐसे ने जिहड़ी पहली शादी किसी मुतलका खातून तलाक याफ्ता खातून या किसी बेवा खातून नाल करनगे। बहुत कैसे ऐसे मुजाहद तुहानू बहुत कम मिलेंगे। वाकई जिहाद दा काम है कि ऐसी खातून नाल शादी करन। वो क्यों? क्योंकि साढ़े माशरे च औरतों की तरफों ये खराफात स्टार्ट हुई ने कि मेरे होंदे मेरा बंदा दूसरी शादी नहीं कर सकता। यह गलत रीत है जिसका खमियाजा की है, उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट की निकल रहा है, नतीजे की निकल रहा है, मुआशरे च इंतहाई बेराहरवी। मर्द खातून दोनों एक दूसरे नाल रहन तो तैयार नहीं ने, ना खुल ना औरत खुला ले रही है ना बंदा उन्हें तलाक दे रहा है, क्योंकि मुआशरे च इस चीज़ का रिवाज नहीं है। और तलाक इस वास्ते खातून नहीं ले रही कि मुआशरे च एक तलाक या था खातून नूं मुजरिम की नज़र नाल वेख्या जांदा है, और बदकिस्मती नाल मुजरिम की नज़र नाल उन्हें वेखण वाले च अक्सर खवातीन खुद ही होंदियां ने। मर्द घट होंगे ने, खवातीन ज़्यादा होंगे ने। ए तलाक हुई है, औरतों ज़्यादा गल कर दें औरतों की इन्हें गलों की वजह तो कि यह तलाक याफ्ता है, यह तो बेवा है। रणवीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बड़ा मायूब जहा लफ्ज़ है, काश इस तो ज़रा बेहतर लफ्ज़ साड़ी नुबत होंदा तो यह लफ्ज़ इस्तेमाल ना होंदा। यह वो वजूहत ने जिसकी वजह तो खातून को यह सज़ा बर्दाश्त करनी पैंदी कि अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, चूंकि बाकी जी खवातीन बैठिया ने बतौर पहली पहली बीवी के घर में वो अपने किसी शौहर को इजाजत नहीं देंगे कि वह आके इस खातून का हाथ फड़ ले तो वो वास्ते वो सारा बन जाए। जरा अरब के अंदर बहुत आम मामूल सी तो नबी सल्लम की हयात नबी सल्लम के साहबा ने तो इस बिल्कुल एक कानून की तरह राइज किया। एक मिसाल मैं तुम्हें दिना, नबी सल्लम के चचा बेटे, अच्छा यह खातून नबी सल्लम की जौजा हज़रत मैमूना की भैणों में शामिल है, यानी इस रिश्ते की वजह तो हज़रत जाफर बिन अबू तालिब अली के छोटे भाई नबी सल्लम के हमजुर्फ बनते हैं। ठीक है जी। असमा बिनते उमैस, सलमा बिनते उमैस दूसरी बहन है जिड़ी हज़रत हमजा की जोजा सी। तीसरी सगी जी उन्होंने है सी बहन सुतेली बहन उमर फजल है अबी लबाबा जो कि हज़रत अब्बास की जोजा सी। चौथी नबी सल्लम की जोजा सी हज़रत मैमूना। और पांचवीं कुछ मौरखीन ने बयान किया कि इन्हों की जो सुतेली बहन है पांचवीं वो हज़रत मैमूना हज़रत जैनब बिनते खुज़ामा भी इन्होंने बहन शामिल है। यानी पांच खवातीन जिन्हें दो नबी सल्लम की अजवाज ने जंगे मुतअश्त हज़रत जाफर बिन तैयार जाफर तैयार जाफर बिन नबी तालिब दा विसाल हो गया, शहीद हो गए, हिजरत हबशा च गए और हिजरत बदर इस खैबर के बाद वापस आए। बहुत कम टाइम नबी सल्लम के नाल नज़र गुजरा, टोटल साल डेढ़ साल। नबी सल्लम बहुत खुश है जो वापस आए। हदीस च नबी सल्लम फरमाया कि मैंने नहीं पता कि मैंने खैबर की फतह की खुशी ज्यादा है या मैंने जाफर तैयार ते इन बाकियों के असमा बिनते उमैस ते बाकियों के इस हिजरत तू वापस आने की खुशी ज्यादा है। उन्होंने जो खातून बेवा हुई गज़वा मौता के बाद, जैसे ही उस खातून की इद्दत पूरी हुई उस खातून के नाल फौरन हज़रत अबूबकर सदीक ने निकाह कर लिया। उस वक्त हज़रत अबूबकर सदीक की उम्र गालिबन 58 या 59 साल सी, एक कम 60 साल। उस टाइम हज़रत अबूबकर सदीक के घर एक जोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा भी मौजूद सन, उन्हां दी बेटी असमा बिनते अबूबकर भी यहाँ की औलादा सन। और उसके बावजूद हज़रत उम्मे रोमान ने बिल्कुल कोई टंग नहीं अड़ाई जी हज़रत आयशा की वालदा ने अबूबकर सदीक की जोजा ने कि तू क्यों शादी कर रहा है।
उन्होंने बड़ी खुशी नाल एक बुजुर्ग आदमी एक कम 60 साल की बुजुर्ग उम्र के बंदे नूं इजाजत दी। इजाजत की गलबात ही होती सी, इजाजत अंग्रेज़ के कानून च इस्लाम के कानून च पहली बीवी की इजाजत शामिल नहीं है, तो अंग्रेज़ का कानून है 1937 का ब्रिटिश एक्ट जो पाकिस्तान हुण तक चली जा रहा है। उन्होंने शादी की, निकाह किया असमा बिन उमैस नाल। अबू बकर सिद्दीक का विसाल तकरीबन 3 साल के बाद हो गया, 2.25 साल उन्होंने की खिलाफत है, साल एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का, 3.25 साल उन्होंने इंतकाल हो गया। जैसी उस खातून की इज्जत पूरी हुई बतौरे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेवा दे, उसी हजरत जाफर तैयार के भाई जाफर बिन अबी तालिब के भाई अली बिन अबी तालिब ने, जिन्हों के उस वक्त तक हजरत फातमा का विसाल हो चुके थे, फातमा बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो चुके थे और वह अकेले सन, उन्होंने उसी असमा बिन उमैस जी उन्होंने एक्स पिछली भाभी सी उन्हें दा नाल उन्होंने निकाह कर लिया। तो असमा बिन उमैस ने बाकी जिंदगी हजरत अली के घर एक्स देवर दे घर बतौरे जोजा दे जिंदगी गुजारी। यह हकीकत है जी नबी सस्म की सुनत है, अल्लाह तला के सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन के नाल चली, रब के अहकाम के मुताबिक चली। तो एक वह है जी असी एक अपने पड़ोसी हिंदू जिदा कल्चर साढ़े खानदान घर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के नाँ पर जी मजबूरी सी उसकी रसम नहीं सी, मजबूरी सी गुरबत सी। तो 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे एक घर के अंदर, 2-2 कमरे के घर के अंदर, एक हवेली के अंदर रहने, असं कहने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अजाब है सारा का सारा, फिका के खिलाफ है, इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है, परदादारी के खिलाफ है। एक चारदीवारी के अंदर परदा हो नहीं सकता। और पर्दा देवर नाल इतना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो पूछा गया कि मेरा देवर दे नाल की पर्दा होगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि देवर तो मौत है। असी जो यह चीज़ें वायलेट कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन फरामीन मुकदसा इलाही इलहामी खवानीन ने और फरामीन ने और साथ ही वो नाल नाल कुरान के इलहामी खवानीन नो फरामीन नो असी वायलेट कर रहे हैं। तो कुरान के किसी हुक्म नो वायलेट करना, सरफे नजर करना, उसको ना मानना, तो फिर दिल तो ना मानना। एक तो ना कि बंदा अमल ना करे तो पछतावा है, फिर दिलों ना मानना कि नहीं ऐ सही नहीं जाती है, दूसरी शादी कैसी हो सकती है। ये तो कुरान के कवानीन के खिलाफ तुम चल रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चल रहे हो। अल्लाह ताला सारों समझने की अकल इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि इन मामलातों से असल सुरू नूं समझिए। नदीम साहब उम्मीद करने हैं कि तुहानूं तुहाडे सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोग सानूं पाकिस्तान च भी रावलपिंडी इस्लामाबाद ते पाकिस्तान तो बाहर भी सानूं सुन रहे हैं, सऊदी अरब तो सानूं सुहेल जदूं साहब सुन रहे हैं जी, कहते हैं कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ते सुहेल जदून साहब बड़ी मेहरबानी तुसी उत्थे बैठ के सानूं सुन रहे हो, हाज साहब भी तुहाडा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अयाज नासिर साहब जिहड़ा इन्होंने मैसेज किया है, शुक्रिया ने जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। फैसल जान साहब ने, हमाद अहमद खान साहब ने, ते इसे तरह और बहुत सारे लोग जिहड़े सानूं प्रोग्राम सुन रहे हैं, तुसी भी साडे प्रोग्राम दा हिस्सा बनो। 0333-9291-523 ते सानूं मैसेज कर लो, ते सानूं कॉल भी करो 0551-9291-520 ते प्रोग्राम का नाम है जी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल प्रोग्राम पेश किया जाता है हर जुमे नूं सवेरे 10 तो लैके 12 बजे तक। तो अज भी असीं हाजिर हाँ, तो अज का मौजू है अजवाजे मुताहरात, हजरत हदीजा रजी अल्लाह ताला अनहा, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अनहा के बारे च असी गलबात की है। तो गलबात के सिलसिले में असं जारी रखांगे। निर्मल शाह होर की आवाज़ में एक नात सुनने, फिर परत के आने वापस सुनते रहने FM पंजाब रंग 99.4। मदीने वाले आ रब दया प्यारिया, तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते प्रोग्राम पेश किया जा रहा है नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग सानू मैसेज कर रहे हैं, हाजी इम्तियाज होर ने फिर कॉल की, उन्होंने एक सवाल भी पूछा, असं इस सवाल को प्रोग्राम विच शामिल करांगे। तो ये सिराज अहमद साहब ने सानू फेसबुक पर अपना कमेंट किया, वो कहते हैं कि अल्लाह तुहाड़ी इस निक्की नूं कबूल करे, तुसी बड़ा चंगा प्रोग्राम कर रहे हो, शुक्रिया जी। तो मैं सुनने वाले दसदा चला कि साडा जिहड़ा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ना जिहड़ा बुनियादी जिहड़ा मौजू है जिहदे ते असी दूसरी एपीसोड है असी उहदे ते गल कर रहे हां अजवाजे मुताहरात, तो ये गल तो चलती रहेगी। नाल नाल असी अहलाके हसना ते भी गल करांगे, तो प्रोग्राम के आखिर ते असी तुहाडे सवालात जिहड़े ने उहनां विचों कोई एक सवाल असी जिहड़ा उहदा चुनाव करांगे, तो वहाज अहमद साहब उहदे ते गल करांगे। तो हूँ असी वधने अपने प्रोग्राम के दूसरे सैगमेंट वल जिहड़ा कि अहलाके हसना है। तो अज अहलाके हसना दे विच असी रिश्तेदारी के हवाले नाल गल करांगे, तो मैं चाहांगा वहाज साहब तुसी इस हवाले नाल साढ़े सुनने वालों दसो।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नासिर भाई, मैं एक इंतहाई अहम मौजू जो साड़ी माशरे की खराफात जिसके खराफात मैं कहूँगा कि सफ़े अव्वल की चीज़ है जिसने बिगाड़ पैदा किया है दीन और दुनिया दोवें माशरती सुकून दे तरफ मैं थोड़ी तवज्जो मबजूल कराना चाहता, क्योंकि यह सीरत का हिस्सा है। सीरत असी पढ़ने सिर्फ रटा लाने नहीं करते हैं, इसका असल मकसद नबी ससम के तरीके राइज करना है। नबी ससम दुनिया जिंदगी गुजारन के दुनिया में जिंदगी गुजारन के तरीके दसन लिए आए सन, आखिरत वास्ते नहीं सन आए, दुनिया वास्ते आए सन। अंबिया का दुनिया च आना दरअसल बुनियादी तौर पर कुरान की सूरह हदीद की आयत नंबर 25 के मुताबिक लकद अरसलना रुसलना बिलबीना थी लियकुम मन्ना सबल किस्त। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान के अंदर कि मैंने अंबिया को भेजा, मैं दुनिया च नबी रसूल क्यों भेजे, ताकि दुनिया च इंसाफ चले, इंसाफ पैदा हो जाए, इंसाफ राइज हो जाए। लियकुम मन्ना सबल किस्त, लोग इंसाफ के मुताबिक जिंदगी गुजारन। कतअ रहमी इंसाफ न खत्म कर दी है। सिला रहमी, ये सुला नहीं उर्दू का, ऐ सिला है, सद लाम हे, सिला जोड़ना, पता काटना। कतअ रहमी सिला रहमी दो बुनियादी चीज़ा ने। सिला रहमी सुन्नत अल्लाह ताला का हुक्म है, कतअ रहमी अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत है और गुनाह है, वह बहुत बड़ा गुनाह है। दो चीज़ा ने, एक रिश्तेदारी तोड़ना, एक उस तो वड्डी चीज़ जोड़ी अक्सर पाकिस्तान साडे मुआशरे लोग कर जाते हैं, बेटे को तलाक कर, बेटे को आक कर देना। नबी सलसम का फरमान है जिसने अपने बेटे को जायदाद तू आक किया, अल्लाह ताला उस बाप नू अपनी जन्नत तू आक कर देगा। अल्लाह, जेड़ा बंदा अपने लिए दूसरी जन्नत बना सकता है तो दूसरा रब को लिया सकता है, वो कर ले। जिदा रब हुई है तो जिदी जन्नत ही हुई है, वो यह काम नहीं कर सकता। अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। जिसने जिस बंदे ने औलाद नू आक किया अपनी जायदाद तू, नबी सलसम का फरमाया अल्लाह ताला उस बाप नू जन्नत तू आक कर देगा, और जन्नत के वारसा शामिल नहीं होगा। बहुत बड़ी सज़ा, इस तो बड़ी सज़ा हो ही नहीं सकती। नंबर वन, बेटिया के नाल बेटिया के नाल तो तुहाड़ा मामला यह होना चाहिए, हद फासल सीधी दस दी कि आखिरत खराब हो जाएगी अगर तुसी बेटे नाल तालुक नू खत्म किया। बाकी तमाम रिश्ते, माँ के नाल रिश्ता, वालिद के नाल, मामू चाचे मामे फूफिया खाला पांजे भतीजे भैन भरा उन्होंने बच्चे, नाना नानी के रिश्तेदार, ससुर ससुराली रिश्तेदार, सारे सारे के शामिल ने। रिश्ते तीन ने, एक वालिद वालदा की तरफ, एक सास ससुर की तरफ, और त्रीजा अगर किसी ने अपनी वालदा के अलावा भी किसी का दुध पीता है तो वो तरफ रजाई वालदा, असल वालदा ससुराली वालदा वालिद और रजाई वालदा वालिद, यह तीनों माँ बाप ने, तुहाडे रिश्तेदार ने, मेरे रिश्तेदार ने। नबी सलम के रिश्तेदारों नाल तालुक रखने के जो हुक्म है उन्होंने मैं तफसीली जान की बजाय मैं मुख्तसरन सिर्फ तीन चार फरामीन बयान करूँगा। अकलमंद इशारा काफ़ी है, लोगों को समझ आ जाएगी तो असं उस चीज़ तुरक जाएंगे। साढ़े मुआशरे बड़ी आम खराफात चल रही है, छोटी दी गल तो इन्हें मेरी धी का रिश्ता नहीं लिया, इन्हें मेरे पुत्र का रिश्ता नहीं लिया, इन्हें मेरी जमीन मार ली, इन्हें फलाने की शादी तो मैंने नहीं बुलाया, यह मेरी शादी तो नहीं सी है, यह मेरे फलाने की शादी तो नहीं है, इन्हें जमीन फलानी वो फलानी, उन्हें टोबा फड़ लिया, इन्हें यह मेरा खेत फड़ लिया, इन्हें मेरा फलाना घर फड़ लिया, ये तो रिश्ते कट देने, मैं गल ही नहीं करनी, यह मेरा भरा ही नहीं है। भरावान की आपस रिश्तेदारियाँ, भैन भरावान की रिश्तेदारियाँ खराब हो जाते हैं, वालिद के नाल वालिद के चाचे मामे के खराब हो जाते हैं, छोटी मोटी जायदाद के तनाजात, एक डेढ़ गठ गठ की जमीन वो पिछे, या रिश्ता कबूल कर या ना कर पिछे, यही मामलात होते हैं सारे। अल्लाह ताला ने इंसान को परेशान होने की इजाजत दी है, लेकिन रिश्ता कट्टन की इजाजत नहीं दी, इस हद तक नहीं दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम है। एक फरमान है, उदा फरमान है कि जिसने उदा मफहूम है कि जिसने रिश्ता कटिया, जेड़ा रब ने बनाया रिश्तेदारी तल्लुक खत्म किया, और उस खत्म होने तीन दिन तो ज़्यादा गुजर गए, तीन दिन तो ज़्यादा, तो उसने अल्लाह ताला के फरमान की खिलाफ वर्जी की, नाराजगी का इतलाक, नाराजगी की इजाजत सिर्फ तीन दिन वास्ते है, चौथे दिन लाजमन सलाम अलैक दोबारा स्टार्ट करनी। जिसने रिश्ता तोड़िया नबी सलम के फरमान के मुताबिक, जैसे ही उसका एक साल गुजरता है कता तलुक का, भैन भाई का, किसी चाचे मामे फुफा का, खालू का, कि भी बांझे भतीजे किसी का भी रिश्ता तोड़िया, तो एक साल गुजर जाए, जिस तरह जिस दिन एक साल पूरा होंगे अल्लाह तला उस गुनाहगार दे बाएं वाला फरिश्ता, खब्बे वाला फरिश्ता, जिहड़ा गुनाह लिखता है उन्होंने हुक्म देता है कि ये गुनाहों में इहदा कतल भी लिख दे, यानी कता तलुक द एक साल गुजर गया तो कतल तब्दील हो जाता है, वह रोजे क्यामत
शुरू के जो गुनाहगार खड़े होंगे जो अल्लाह ताला का गुस्सा भरपूर होएगा उरूज से होएगा वो शहादा के सामने कातलीन खड़े किए जाएंगे उन्हों का कातलों का हिसाब किताब अगर सीधे सीधे जन्म बेचे जाएंगे ये बदबख्त उन्होंने खड़ा होएगा शायद इन्होंने पूरी जिंदगी पिस्तौल ना चुकी हो खंजर चाकू ना चुके हो तलवार ना वेखी हो लेकिन कातला शामिल है उस बदबख्ती वे तू उस बेवकूफ़ी वे तू कि इसने रिश्ता तोड़िया हालांकि अल्लाह ताला ने इसको इजाजत नहीं सी दी रिश्ता तोड़न का मतलब की है कि तुम गमी खुशी शामिल होवोगे दिल तो पसंद नहीं है वो तुम्हारी दिल की कैफियत वो इजाजत है उन्हें इजाती की है दिल तो खफा हो सकते हो दिल तो पसंद नहीं कर सकते लेकिन तुम रिश्ता नहीं तोड़ सकते सलाम नहीं रोक सकते सलाम का जवाब नहीं रोक सकते जनाजा तो शामिल रोना नहीं रोक सकते शादियां तो शामिल रोना नहीं चुकते घर की मेहमानदारी जो आए तो उसकी खिदमत करनी है मेहमानदारी करनी है आप बेशक ना बुलाओ लेकिन जो बुलाए तो जाना है यह है जनाब तुम रिश्ता कायम रखे मुहब्बत का फर्ज नहीं किया कि लाजम मुहब्बत करनी लाजम नहीं है हो नहीं सकती ना अल्लाह ताला ने वो चीज़ बाहर इंसान से नहीं लाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अल्लाह ताला किसी इंसान से वो बोझ नहीं डालता जो वो चुक ना सके ए इंसान नहीं चुक सकता यह कता तालुक और यह सिला रहमी नबी सल्लम का फरमान इस तो ज़्यादा खतरनाक फरमान जो है वह ये है दो रह गए ने एक मैं बयान करूँगा कि शबे कदर में जब सारी मखलूक मंडी लग जाती पंजाबी मंडी लग गई तो सारे साढ़े जे गुनागार वो पास हो जाते 33 नंबर उन्होंने लग जाते हैं सारे पास हो जाते हैं तो उस मौके पर भी जबरील अलैहिस्सलाम जो मखलूक के डेरिया जिक्र की मसाजिद से घर से फेरे लाते हैं तो रब तो तरफ ऐलान करते हैं अल्लाह ताला ऐलान फरमाते कि सारे मैं बख्श दिता सिवाय तीन दे आदि शराबी जिहड़ा कदे कदे शराब नहीं बल्कि आदतन शराब पींदा छड़दा नहीं हुण नंबर दो माँ बाप का नाफरमान इनू नहीं बख्शिया अज की रात ही तो तीसरा जिन्हें रिश्ता तोड़िया कदूरत रखी है दिल च बहुत सकीना रखे रिश्ता नहीं तोड़िया और शबे कदर की रात भी नहीं बख्शा जाता याद रखो मेरी गल नबी सल्लम का फरमान है ये जेडे बेवकूफ रिश्ते तोड़ के इतकाफा जाके बैठ जाते हैं कोरे घर वापस आते हैं कोरे इतकाफ तो अल्लाह ताला की कुरब नबी सल्लम का कुरब तो बख्शिश वास्ते है तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं माफ नहीं करता क्योंकि इन्हें रिश्ता तोड़िया क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मन कतर रहम कतर रहमान जिसने रिश्ता तोड़िया उन्हें रहमान को कटिया रिश्ता कटे रहमान को रहम रहमान एक ही है अल्लाह ताला उसका बदला उतों लेंदा है इस तो वड्डा आखिरी फरमान जो मैं तुहाडे सामने पेश करना है वह है एक चीज़ याद रखो दो गुना ऐसे ने जेड़े अल्लाह ताला रोज़े क़यामत मीज़ान च नहीं तोलेगा वो ऐसे गुना ने उन्हां दी नुकसान इतना वड्डा है अल्लाह ताला का कहर उसते इतना ज्यादा है नबी सल्लम का गुस्सा उसते इतना ज्यादा है कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उन्होंने गुनाह तोले गए नहीं जदों कलमा गो अफराद हजरात खवातीन सारे दे मिजान तोले जाएंगे तो जिन्हों के 51% तो ज़्यादा यानी नेकियां ज़्यादा ने गुनाह काटने उन्होंने एक परची एक पासपोर्ट एक टिकट दिता जाएगा एक बोर्डिंग पास दिता जाएगा कि तुम जन्नत जाओ हशर के मैदान से जन्नत के दरम्यान तले जहन्नम होएगी उसके उत्ते पुल रख्या जाएगा जिन्होंने पुल सिरात कहते हैं उस पुल सिरात तो यह सारे के सारे अंबिया समेत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक सारे इंसान इस दे उत्तो गुजरेंगे लेकिन अपनी अपनी ईमानी कैफियत के मुताबिक कोई हवा के झोंके दर गुजर जाएगा तो कोई घिसट घिसट के जाएगा नबी सल्लम के फरमान के मुताबिक नबी सल्लम ने फरमाया जो यह हदीस बयान कर रहे थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है आंकड़े किनू कहते हैं औरबा ने वेखे सन वे वे कंडे जे बकरिया के कुत्तिया के साइज के वे वे होंगे ने कंडे बंदे ने रस्ता रोक लेंगे उन्होंने कहा जी पुल सिरात के दोनों किनारे से आंकड़े खड़ोते होंगे नबी सल्लम ने फरमाया कि इस पुल सिरात तो गुजरते हुए वो लोग जो जन्नत का टिकट लैके जन्नत जा रहे हैं उन्होंने बेतहाशा अफराद अनगिनत अफराद उन्होंने सामने उन्होंने दो गुना इस जगह पर नाप तोल हो चुकी है इस जगह दो गुना दोबारा सामने आएंगे तो इन्हों गाजर मूली की तरह धक्के दे के दोबारा जहन्नम की आग च दोज़ख की आग च गिरा देंगे साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुनाह केड़े ने जिहड़े इत्थे आ जाएंगे जिहड़े तोले भी नहीं गए उत्थे नबी सल्लम ने फरमाया एक अमानत च खयानत एक कता तालुक जिसने अमानत च खयानत की थी सरकार की बिजली चोरी की थी सरकार की कोई चीज़ चोरी की थी सरकार का अफसर है सरकार का मुलाजिम है सरकार की जिहड़ी फैसिलिटीज़ ने गड्डी गाड़ी पेट्रोल घर बिजली मुफ्त की बिजली मुफ्त का टैलीफोन सारा कुछ मुफ्त का घर इदा बरेर बेदरेर इस्तेमाल किया जिहड़ा इसका इस्तेकाक नहीं सी बनता जिहड़ा ड्यूटी की बजावरी वास्ते गौरमेंट ने दसी उन्होंने अपने ते अपने बच्चों ते पुश्तों के पुश्तों की आराम वास्ते उन्होंने इस्तेमाल किया अमानत शान की यह अमानत खान अमानत खान सिर्फ है नहीं कि मैं तुम्हें 100 रुपये देता तुम्हें मैंने वापस नहीं दिता कि अमानत खान होगी ए तो एक छोटी जी उसकी मिसाल है अमानत कौम की अमानत है सारी फैसिलिटीज़ सड़क ट्यूबलाइट्स
स्ट्रीट लाइट्स जितनी लगियां ने किसी ने स्ट्रीट लाइट तोड़ी मजाक ही तोड़ी उसने अमानत खान की थी। 26 करोड़ आवाम की स्ट्रीट लाइट मेरी नहीं है, यह फुटपाथ यह सड़क 26 करोड़ आवाम का है, यह दफ्तर जिसे शीशे मैं तोड़े वटे मार के आवाम की है, यह 26 करोड़ आवाम की इमानत है। सरकार की गड्डी नूं पुलिस की गड्डी नूं किसी इदारे की गड्डी नूं मैंने वटा मारे शीशा तोड़िया, मैं 26 करोड़ आवाम की इमानत को खराब किया है। और एक मिसाल उसकी बिजली है, बिजली तुसी इस्तेमाल की, मैंने इस्तेमाल की, मैंने मीटर रीडर नाल गलबात की, मैंने 1000 रुपये फड़ा तो मेरा 50,000 का बिल मेरा जीरो से आ गया। यह इमानत इस खाना मैं मुजरम हाँ 26 करोड़ आवाम का। एक यह गुना तो दूसरा गुना जो फरमाया कता तलुक, जिन्हें तलुक कता किया वो इतने उन्होंने धक्के मार मार के दोबारा जो उम्मीद लैके निकल के मैं जन्नत जा रहा उतों धक्के मार के जन्म गिरणगे तो फिर कदों निकलणगे अल्लाह बेहतर जानता है। सारे वास्ते साढ़े वास्ते अकल की गल है कि बराए मेहरबानी अपनी जाना ते रहम करो, अपनी नेकियां ते अपने हज ते अपनी नमाजा ते सुबह सुबह ठंडे पानी च उठ के वजू करन दे उस नमाजा का ख्याल करो, उन्हां हलाल की कमाई दिखते सदका का ख्याल करो, वह तोपे च फिरे थोड़े उम्र हज का ख्याल करो, उन्हां नेकियां का ख्याल करो, उन्हां प्यास ते भुख च रखे थोड़े जिहड़े रोजे ने उन्हां दा ख्याल करो, उन्होंने तबाह ना करो, वह सारे सारे मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो नाल जो है ना जरब खा के जीरो जीरो हो जाएंगे अगर तुसी अमानत शखानत करोगे, अगर तुसी रिश्ते नूं तोड़ोगे। तो अज दे दिन अज दे टाइम इस प्रोग्राम की वसादत नाल तैयार कर लो, जिहड़ा भाई भैण बांझा भतीजा चाचा मामा फूफी खाला जो भी मेरा मेरे तो नाराज़ है ठक करके टैलीफोन चुको, अजकल तो काम आसान है क्या तुसी टुट के जाना है, फोन चुको बस यार सुलह सफाई कर लो, बस जो हो गया मैं माजर चाहता, तुसी गलती की थी कि नहीं की तो गल ही कोई नहीं, तुसी सुलह कर रहे हो अपने वास्ते, उसके वास्ते नहीं कर रहे, अपनी आखिरत बचाने वास्ते कर रहे हो, उसके तो कोई इंसान कर रहे तो वह अकलमंद है तो भी अपनी आखिरत अपने अमाल को बचाने वास्ते सुलह कर लेगा। तो मेरी गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तू जारी करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन अंबिया किताबां सारियां ते रसूल भेजे दुनिया च इंसाफ वास्ते, ताकि लोग बेहतरीन तरीके नाल जिंदगी गुजारन। दीन दा असल मकसद यह है, दीन मस्जिद वास्ते नहीं है, दीन बेहतरीन दीनदारी दुनियादारी वास्ते है, ताकि इंसान मुहब्बत नाल आश्ती नाल अमन नाल एक दूजे नाल कट्ठे रहन ते दुनिया गोले गुलजार बन जाए, जे इंज हो जाता तो दुनिया जन्नत बन जाती, नहीं तो फिर मरण तो बाद ही सिर्फ जन्नत आएगी, जन्नत सारी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह ताला सारे नूं अमल करने की तौफीक दे। सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते अखलाके हसना दे हवाले नाल वहाज अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे सन, ते उन्होंने रिश्तियां दे बारे गल कीती, ते उम्मीद करने आ कि तुसी साड़ी गल सुनी भी होवेगी ते इन्नू तुसी कन्नी भी बन लेना, इहदे ते अमल भी करना, ते ताकि तुसी इस दुनिया ते आखरत विच कामयाब हो जाओ। ते तुहानूं दसदे चलीए कि प्रोग्राम पेश कीता जा रिहा नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते प्रोग्राम दे जिहड़े ने उह असीं नूं तीन हिस्सिआं विच तकसीम कीता है। बुनियादी साडा जिहड़ा मौजू है उह अज़वाजे मुताहरात है, उहदे ते गल चल रही है, ते इह नहीं कि उहदे ते गल साडी खत्म हो गई है, यह गल चल रही है, ते नाल नाल असीं अखलाके हसना ते भी गल कीती है, ते हुण इक नात मुबारक सुणने आ, फिर परत के आने वापस ते तुहाडा जिहड़ा सवाल है उहनूं वी असीं प्रोग्राम दे विच शामिल करांगे। सुनते रहना FM पंजाब रंग 99.4, तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4, ते मैं नासिर अहमद वहाज अहमद साहब सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके हवाले नाल गुफ्तगू कर रहे हैं, ते अज दा साडा मौजू है अज़वाजे मुताहरात, ते असी गल कर चुके हैं हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अनहा दे हवाले नाल, उन्हां दी मुबारक जिंदगी दे हवाले नाल, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अनहा दे हवाले नाल गलबात की, ते हालांकि हसना के हवाले नाल भी असी एक मौजू रखिया रिश्तेदारियां, इहदे हवाले नाल भी असी गल की। हुण चूंकि प्रोग्राम का वेला जिहड़ा वह मुक्कण वाला है, तो जाते जाते असी जिहड़ा तुहाडे जिहड़े सवालात ने, तो उन्हां विचों कोई एक सवाल जिहड़ा जिहड़ा कि ज़्यादा मौजू है असी उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनावांगे, लेकिन उस तो पहले मैं तुहाडे कोई मैसेज भी पढ़ता चला। सजाद हुसैन साहब ने ते वहाज साहब कह रहे ने जी कि तुहाडा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ते माशाल्लाह कह रहे ने, जज़ाकअल्लाह जी, खुश हो जी, आबाद रहो। हां इहदे नाल नाल इबाद रहमान साहब ने उन्होंने भी तुहाडे प्रोग्राम नूं पसंद कीता है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ते एक साडे बड़े प्यारे साडे दोस्त ने सिराज अहमद साहब, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਮੀਨ, ਜਜ਼ਾਕਅੱਲਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਮਾਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਸੁਹੇਲ ਜਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਨਾਉਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮੁੰਦਰੂ ਪਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, 6 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ
इंतखाब किए। ये सवाल काफ़ी दफ़ा भी पहले भी किया जाता है। तो ये सुनने वाले पूछ रहे हैं कि ख्वाबों की तबीर के हवाले न असं अक्सर ख्वाब देखने तो वो तबीर जानने की कोशिश करने। इस मौजू पर तुहाडे की विचार ने, तुसी तुहाडे की नज़रियात ने, तुसी साढ़े सुनने वाले नूं की दसोगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख्वाब की तबीर बड़ा जी मुश्किल क्रिटिकल नाजुक मामला होंदा है। इहदे च बड़ा जखीम इलम है। मुख्तसर टाइम विच इहनूं बयान करना शायद बड़ा मुश्किल लगेगा। मैं सिर्फ एक जिसनूं जनरल गाइडेंस कहिंदे ने, उमूमी रहनुमाई थोड़ी जी मैं वह सुरजी करन की कोशिश करांगा। चंद फरामीन उन्होंने मैं तस्करा करूँगा ताकि सानू यह क्लीयर हो जाए कि ख्वाब की ताबीर के उमरे साढ़ा तरीकाकार की होना चाहिए। नबी सल्लम का फरमान है जनाब कि जेड़ा तुहाड़े चों दिन के मामला च सच्चा होएगा वह रात के ख्वाब सच्चे होंगे। जिदा दिन के मामलात सच्चे ने, मामूलात जो बंदा सच्चा है उस दे ख्वाब सच्चे होंगे। यानी बलफाजे दीगर जेदे दिन दे मामलात च खोट है ते झूठ तो रजी बसी हुई है उहदे ख्वाब भी झूठे होंगे। ते ए हमेशा जहन च रखनी चाहिए। तुहानू कोई भी ख्वाब वेखदा है ते तुहानू पता होना चाहिए कि अद्धे दिन दे मामलात कैसे ने, ते उहदे ख्वाबां दी ज़्यादा जिहड़ी अथेंटिसिटी होंदी है, ब्लाइंड अथेंटिसिटी, वह इतनी दुरुस्त नहीं होंदी। ख्वाबों की ताबीर के बारे एक बड़ी मुश्किल हदीस है जिसका मफहूम है कि ख्वाब जड़े ने वो परिंदों के पंजे पकड़े गए, फड़े गए, चुके गए कंकरियां दे वटियां दे मानिंद ने, जिस तरह बयान करो वो छुट जाते हैं तो वाकई हो जाते हैं। यानी ख्वाबों की ताबीर के मामलात तुसी एहतियात करो, बयान ना करो। किनू बयान करो? जेडे हदीस के अल्फाज पता लगते हैं हबीब और लबीब, वो बंदा जिहड़ा तुहाडे तो मुहब्बत करता होवे, लबीब अकल वाला जिन्हों अकल होवे, समझ बूझ होवे, पढ़ा लिखा समझ बूझ, दीन की समझ बूझ होवे। कुरान की जिहड़ी आयात ने, असल च कुरान की आयात ही अक्सर तुहानू ख्वाब की ताबीर सिखांदियां ने, उस तों पता लगता है। एक अबू जाफर मंसूर ने, वह खलीफा से अब्बासी, उन्हें ख्वाब वेख्या कि वो मौत के फरिश्ते को उन्होंने पूछा जी मेरी जिंदगी कितनी है, तो मौत के फरिश्ते ने इस तरह इशारा करके ना इस हाथ सामने किया, पांच उंगलियां खुलियां सन। तो सारे लोगों को पूछता है, किसी ने कहा 50 साल रह गए, किसी ने कहा टोटल 50, किसी ने कहा 55 साल है, किसी ने कहा 5 रह गए, किसी ने कहा 5 दिन रह गए ने। और किसी ने तस्करा इमाम अबू हनीफा ने किया, इमाम अबू हनीफा रहमत ने फरमाया कि उन्हें तेन कोई जवाब नहीं दिता, उन्हें तेन किया कि तू उन 5 सवालों में एक सवाल मेरे को पूछा जरा सूरह लुकमान की आखिरी आयत, एक आयत नंबर 33 है 32 आयत आखिरी आयत जी है गालिबन 32 नंबर आयत है, वो आखिरी जी आयत है वो 5 चीज़ों का तस्करा है। ان الله علم ان ناوي المسا ونزل الغيث ويعلم ما في الارحام ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਇੱਕ ਤਸਕਰਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ بارش ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਜ ਕੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੇ ਬਗਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਬੇ ਇਹ ਜਨ ਤਮੂ ਤੋ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਸ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਫਰ ਮਨਸੂਰ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਬਨ ਸੀਰੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਬੀਰ ਰੋਇਆ, ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਬਨ ਸੀਰੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੀ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੇ ਅਕਵਾਲ ਨੇ। ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਲੀਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਂ ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਤਹਾਈ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਐਸਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
अमन भी जानता भी उसके पूछो तो इंशाल्लाह अच्छी गाइडेंस होगी। जज़ाकअल्लाह खैर। वहाज साहब बहुत सारे लोगों ने साडे प्रोग्राम नूं पसंद किया जिन्हां विच सजाद हुसैन हुण चुके प्रोग्राम का वेला मुक गया है तो मैं जल्दी नाल इन्हां दे नां पढ़ दिया जरा। सिदरा एजाज साहिबा, अफसर खान, सुहेल जदून, खुरम मंजूर, खुरम गुजनफर, सलीम खान, सिराज अहमद, मुहम्मद मुख्तार, सकलैन नवाब, फैसल जान, हिना रहील, ते आयशा वहाज, थोड़ा बहुत शुक्रिया आयशा वहाज साहिबा, ते अयाज नासिर साहब, बिलाल मुनीर अहमद, सनाउल्ला हाशमी, साइमा हजाज हसन साहब ने, ते मुहम्मद सदीक खोखर, चौधरी शफाक, ते आयशा जफर समेत बहुत सारे लोगों ने जिन्हें जिन्हें ने भी साडा प्रोग्राम सुनिया थोड़ा बहुत शुक्रिया। ते प्रोग्राम नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्रोग्राम दा अज दा वेला जिहड़ा मुक चलिया, ते इंशाल्लाह अगले जुम्मे नूं फिर सवेरे 10 तो लैके 12 बजे तक सीरत अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल प्रोग्राम नूरे मुहम्मद पेश किया जाएगा। तो साडा मौजू अजवाज मुताहरात ये कंटिन्यू रहेगा, इहदे ते गलबात जारी रहेगी, तो इहदे नाल नाल असी अहलाके हसना ते भी गल करांगे। तुसी भी अपनी राय दे सकते हो, अपने सवाल सानू कर सकते हो। साडा नंबर 0333-9291-523 ते साडा कॉल दा नंबर है 0151-9291-520 ते इहदे नाल नाल हर प्रोग्राम दे अखीर ते तुहाडे सवालां विचों इक सवाल असी चुणांगे जिहड़ा कि ज़्यादा पुछा जा रहा होएगा, उस सवाल जिहड़ा असी उहदा जवाब भी देंगे। तो इहदे नाल ही मैनूं नासिर अहमद ते साडे जिहड़े सीरत निगार ने वहाज अहमद साहब नूं इजाजत दिओ। अगले प्रोग्राम च फिर मुलाकात होगी, उदों तक रब राखा।